गोवा में एससीओ की बैठक का पहला दिन, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से विदेश मंत्री एस जयशंकर की आमने सामने की मुलाकात। चीनी विदेश मंत्री किंग गैंग के साथ एस जयशंकर की बैठक, आपसी सहयोग और सीमा गतिरोध पर बातचीत की गई। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से भी एस जयशंकर की बात, यूक्रेन जंग और आतंकवाद पर की गई चर्चा। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान का पैतरा, गोवा पहुंचे बिलावल भुट्टो का बयान, बढ़ाएंगे आपसी सहयोग। एससीओ की बैठक से पाकिस्तान कर रहा है छवि सुधारने की कोशिश, पीएम शहबाज शरीफ का ट्वीट, शांति के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव की मांग, बजरंग दल पर लगे बैन, किसी भी तरह की चुनावी प्रक्रिया में किया जाए वंचित। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान, कहा बजरंग बली किसी एक धर्म के नहीं, भगवान के नाम पर बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रही है। बिहार में भी बजरंग दल को बैन करने की मांग पर मचा बवाल, जेडीयू बोली राम के नाम पर भीड़ इकट्ठा कर रही है बजरंग दल, तो बीजेपी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे बजरंग बली। बिहार में बजरंग दल को बैन करने की मांग पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, कहा हिम्मत है तो प्रतिबंध लगाकर दिखाए नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ में भी गरमाया सियासी माहौल, बजरंग दल को बैन करने पर विचार कर सकती है कांग्रेस सरकार। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बड़ा बयान, कहा कर्नाटक में जीते तो पूरे राज्य में बनाएंगे हनुमान मंदिर। मणिपुर के चूरा चंद्रपुर इलाके में दो गुटों में भड़की हिंसा, 8 जिलों में धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवाएं भी बंद। अनुसूचित जनजाति वर्ग में मेथी समुदाय को शामिल करने की मांग पर चूरा चंद्रपुर इलाके में भड़के हिंसा, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने मांग का किया है विरोध। हिंसाग्रस्त इलाके में असम राइफल्स के जवान तैनात, राज्यपाल ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए। मणिपुर हिंसा पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी ने एक राज्य की शांति को पूरी तरीके से भंग किया, लोगों से शांति की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी पहलवानों की याचिका पर सुनवाई, एफआईआर दर्ज होने का जिक्र कर याचिका बंद, हाई कोर्ट जाने की दी सलाह। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं दर्ज कराए गए पीड़ितों के बयान, हरीश सालवे ने सुप्रीम कोर्ट में रखा आरोपी ब्रिजभूषण सरन का पक्ष। अपने ऊपर लगे आरोपों पर अयोध्या में बोले ब्रिजभूषण सरन सिंह, न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा, मेरा स्वभाव मानव कल्याण का है। जंतर मंतर पर पहलवानों को आम आदमी पार्टी के वकीलों का समर्थन, कहा हाई कोर्ट और निचली अदालतों में करेंगे सहयोग। करनाल में किसान संगठनों और कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन, पहलवानों के समर्थन में बीजेपी सांसद का फूका गया पुतला। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों पर सुरक्षा बल ने कसा शिकंजा, कुपवाड़ा बारामूला में आतंकी मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, हेलीकॉप्टर में सवार थे 2 पायलट और 1 टेक्नीशियन। यूपी में निकाय चुनाव के पहले दौर का मतदान खत्म, 9 मंडल के 37 जिलों में हुई वोटिंग। सीएम योगी ने गोरखपुर में डाला अपना वोट, लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी किया मतदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निकाय चुनाव के लिए लखनऊ में डाला वोट, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने भी अपने परिवार के साथ किया मतदान। कर्नाटक में पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव, 6 और 7 मई को प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। एक दिन में 40 किलोमीटर का रोड शो नहीं करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, शनिवार और रविवार को दोनों ही दिन पीएम मोदी का रोड शो। कर्नाटक चुनाव को लेकर सीएम योगी ने भी भरेंगे हुंकार, 6 मई को दक्षिण कन्नड़ और उत्पी जिले में करेंगे चुनावी रैली। कनकागिरी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने की जनसभा का, सिलेंडर, दाल, आटा, सब्जी, फल, सभी चीज महंगी, भ्रष्ट सरकार भ्रष्ट नीतियां बना रही है, उनकी नीतियों में आपका हित नहीं है। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के कोपल जिले के प्रसिद्ध प्राचीन कनकगिरी मंदिर का किया दौरा, विजयनगर साम्राज्य के श्री कृष्णदेव राय ने बनाया था यह मंदिर।
कर्नाटक के हावेरी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभा, लोगों से कर्नाटक के अर्जुन बनने की अपील की, कहा जो आपके मुद्दों पर बात ना करे उसे परे कर दो। कर्नाटक के यादगीर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिट्टी का बेटा होने की बात कही, बोले जैसे गुजरात में मोदी को मिला वोट वैसे ही यहां लोग कांग्रेस को करें वोट। बिहार में जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण मामले में सीएम नीतीश कुमार को झटका, पटना हाईकोर्ट ने जाति जनगणना पर लगाई रोक, अब 3 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। जाति जनगणना पर पटना हाईकोर्ट से लगी रोक के आदेश को चुनौती देंगे बिहार सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे क्यूरेटिव। बीजेपी नेता तेंद्र सिंह बग्गा ने ट्वीट की केजरीवाल के बंगले की तस्वीरें, बंगले के रिनोवेशन में 45 करोड़ के खर्च की वजह से विवादों में है दिल्ली के सीएम का घर। पटना हाईकोर्ट के फैसले को आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण, बोले ऐसे निर्णय से बढ़ता है फैसला। पटना में नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ लगा पोस्टर, लिखा जनता को जाति में तोड़ने चले थे, वोट का रुख मोड़ने चले थे नीतीश। शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में कांग्रेस की 2/3 सीटों पर जीत, 34 में से 24 वार्ड जीतकर बीजेपी को किया बेदखल। यूपी के सिद्धार्थनगर में सीएम योगी की चुनावी सभा, कहा आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं टैबलेट है, हम व्यापारियों से कोई नहीं वसूलता रंगदारी। पंजाब के लाबी में पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के अंतिम अरदास में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी रहे मौजूद। गोरखपुर में जलभराव को लेकर अखिलेश यादव ने नगर निगम पर साधा निशाना, वीडियो ट्वीट कर लिखा नगर निगम की खुल गई है पोल। हुगली में नाबालिग से टीएमसी नेता ने की छेड़छाड़, गुस्साए लोगों ने जमकर जाम लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। अमरोहा में मतदान केंद्र पर हंगामा, दो पक्षों में जमकर पथराव। कानपुर में स्कूली बच्चों ने निकाले मतदाता जागरूक रैली, एसडीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। सवाईमाधोपुर में जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर साधा निशाना, राज्य सरकार को ज्ञापन देते हुए दी सीधी चुनौती। भागलपुर में धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, कहा उनको बिहार आने से रोकने वालों के छट जाएंगे 32 दांत, किसकी मजाल उन्हें रोके। सीकर में शिक्षकों का 48वें दिन भी कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन जारी, शिक्षकों ने पढ़ाने दो कर लगाया नारा। फरीदकोट में बहबल कलाक गोलीकांड में जल्द जांच कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन, पीड़ितों ने धरना देकर दी चेतावनी। असम के बोइंग गांव में तस्करों के खिलाफ चला पुलिस अभियान, ड्रग्स समेत 3 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। मदुरै में भक्तों ने किया एथिर सेवई उत्सव के कल्ला झागर का भव्य स्वागत, सैकड़ों भक्तों की भीड़ आई नजर। नोएडा में गाड़ी के नंबर के लिए लग गई लाखों की बोली, लगभग 10 लाख रुपए में बिका 0001। आरा में युवा लोक कलाकारों की म्यूजिक मंत्रा टीम ने मचाई विदेशों में धूम, दुनिया के कई देशों से युवा संगीतकारों को गाना गाने का मिला है ऑफर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मजदूर की बेटी बनी एमपीएससी परीक्षा की टॉपर, गांव वालों ने किया धूमधाम से स्वागत। पाली में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने लगाई जागरूकता क्लास, स्कूली बच्चों को बताए ट्रैफिक नियम। रोहतक में छाई घने कोहरे की चादर, मई में हो रहा लोगों को दिसंबर का एहसास। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहुंची मोबाइल एटीएम वैन, बद्रीनाथ में इस समय नहीं है एक भी एटीएम, श्रद्धालुओं को मिली राहत। मुंबई के डब्बे वालों का किंग चार्ल्स को राजाभिषेक के लिए सोने का बना मुकुट का तोहफा, लंदन भेजा जाएगा सोने का मुकुट। मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध लीची जल्द ही बाजारों में दिखेगी, मई के दूसरे हफ्ते में ये स्वादिष्ट लीची लोगों को खाने को मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने पटना में किया नए पुलिस भवनों का शिलान्यास और उद्घाटन, करोड़ों की लागत से बनकर हुए हैं तैयार।
फाजिलका में एक शख्स की बदली किस्मत 2.5 करोड़ की लगी लॉटरी।